नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अधिकारियों की टीम के साथ डीएम ने महर्षि बालार चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण। चित्र संख्या 00 से 00 तक तथा फोटो कैप्शन बहराइच 2 अगस्त शासन द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों के क्रम में सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समयबद्धता के साथ उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए शासन द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार जन सुनवाई तथा कार्यालयों में आने वाले फरियादों की समस्याओं का गुणवत्ता पारक निस्तारण के साथ सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, सेवाओं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ उपलब्ध कराने की स्थिति तथा कार्यालय में मिडिलमैन के दखल, साफ सफाई, अभिलेखों का रख रखाव इत्यादि का जायजा लेने के लिए उद्देश्य से जिलाधिकारी मोनिका रानी ने पूरे दलबल के साथ महाराजा सुहेल श्वासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के महर्षि बालार चिकित्सालय एवं MCH विंग का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी मोनिका रानी व मुख्य विकास अधिकारी रम्या आर ने MCH विंग के सभी फ्लोर का औचक निरीक्षण कर पंजीकरण काउंटर, OPD, औषधि वितरण काउंटर, टीकाकरण एवं अल्ट्रासाउंड कक्ष, PTCOT, प्रसव कक्ष, NSC, ट्रेज एरिया, ऑपरेशन कक्ष सहित विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर मरीजों एवं तीमारदारों को प्रदान की जा रही सेवाओं एवं सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान DM CDO ने संदिग्ध दिखने वालों में सघन पूछताछ तथा उनकी पहचान भी की, पुष्टि की गई। MCH विंग में कुछ महिलाओं द्वारा बेड न मिलने की समस्या पर संबंधित से पूछने पर बताया गया कि क्षमता से अधिक मरीज होने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में DM द्वारा प्राचार्य डॉक्टर संजय खत्री को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक फ्लोर पर एक एक कक्ष को वेटिंग एरिया के रूप में डेवलप कर दिया जाए, जिससे मरीजों को, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं व बच्चों को आसानी हो सके। DM मोनिका रानी के साथ गए अधिकारियों के दल में शामिल अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव ने पुरुष चिकित्सालय की OPD, मुख्य राजस्व अधिकारी देवेंद्र पाल सिंह ने इमरजेंसी वार्ड, नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर व प्रशिक्षु PCS अंजनी यादव ने औषधि वितरण काउंटर व पंजीकरण काउंटर तथा जिला विकास अधिकारी राजकुमार द्वारा पैथोलॉजी का सघन निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस अवसर पर DM ने बताया कि औचक निरीक्षण का मकसद यही है कि यहाँ पर आने वाले मरीजों को शासन की मंशानुरूप चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो तथा सभी चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ समय से चिकित्सालय में उपस्थित रहे आने वाले मरीजों का इलाज करें। DM ने बताया कि महर्षि बालार चिकित्सालय के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जिले के साथ साथ आसपास के शहरों तथा नेपाल राष्ट्र के मरीज भी इलाज के लिए आते हैं, इसलिए जरूरी है कि चिकित्सालय की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहें। DM ने बताया कि सरकारी कार्यालयों के औचक निरीक्षण का अभियान निरंतर गतिमान रहेगा। वे स्वयं तथा जिले के अधिकारियों की टीम भेजकर कार्यालयों का निरीक्षण कराकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समय से उपस्थिति के साथ साथ आमजन को शासन की मंशारूप योजना एवं कार्यक्रमों का लाभ दिलाया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।